नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रूपेश हत्याकांड की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नामजद 17 आरोपियों में से कई लोग बाहर घूम रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि अपराधियों को कानून का भय नहीं है। इक्यानवे हजार 270 करोड़ का बजट था और इनकी उपलब्धि थी 43% इन्होंने खर्च किया। तो अभी ये 1 लाख करोड़ का बजट लिया या 5 लाख करोड़ का बजट लिया, अगर आप खर्च ही नहीं करेंगे तो बजट को बढ़ाने का या बजट को लाने का क्या फायदा चल रहा है। हर ऑफिस में फुल अटेंडेंस अलाउड हो गया, किसी भी चीज पर प्रतिबंध नहीं है सिवाय जुलूस पर और मेले पर। आपने शादी में भी 500 लोगों का अलाउ कर दिया, तो इसीलिए हमने बहुत पहले इस बात को सरकार के संज्ञान में लाया कि भाई आप जो चालाकी कर रहे हैं वो हम लोग के नजर में है और आपको इसको उठाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सदन में ये बात उनको कहा कि भाई आप जो ये जो आपने प्रतिबंध लगा रखा है जुलूस पर और मेला पर, इसको आपको हटाना चाहिए। फिर समय जब बीता हमने उनको याद दिलाया कि भाई बीच में 80 घंटों तक ये चला और मैंने अपना 100% किया है और लगभग 51 मामले मैं निवेदन के माध्यम से, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, कार्य स्थगन के माध्यम से, तारांकित प्रश्न के माध्यम से, अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से हमने 51 मुद्दे जो है उसके लिए। कुछ प्रमुख मुद्दे भी थे जैसे हजारीबाग में रामनवमी का मामला था, भाषाई विवाद है।